आज की सुबह चेकआउट टाइम सीधा हमारी जो टैक्सी थी वो 8 बजे आनी थी और 7:30 बजे उठाऊं मैं, 7:50 हो रहे हैं शायद, ये आ भी गई, ये हमारी है नीचे। एक बार मैं जरा पहुंच जाऊं, नीचे जाके बात करता हूं, क्योंकि एक मुझे फोन आया सुबह 5 बजे कि आपकी 5 बजे की टैक्सी में, जो मैं नींद में पागल से हो गया। मैं यार मैं सपना तो नहीं देख रहा है, सच में इसी टाइम की थी एयरपोर्ट पे फ्लाइट हमारी, टैक्सी सही टाइम आई और हम लेट हो गए। फिर देखा मैंने उस पेपर पे भी, और फिर फ्लाइट की डेट चेक करी, टाइम चेक करा, सब सही था और हमारी टैक्सी 8 बजे की बुकिंग थी। मैंने कहा ड्राइवर ने पी रखी होगी, जब उसे इन्फॉर्म किया तो 5 बजे समझ के आ गया। तो अभी देखूं 8 बजे मिलेगा सुबह या नहीं तो वे 800 बात हो गए जिनसे बुक किया था। होटल वालों ने 2000 बात हमारे यहाँ पर डिपॉजिट कराए हुए हैं सिक्योरिटी, फिर उनसे कर लेंगे टैक्सी, क्योंकि इस टाइम वॉलेट सबके बिल्कुल खाली है। ड्रोन बैग मेरे कुछ में जो पीछे कैरी कर रहा था, डब्बा तो नहीं ले जा सकते ना, बिना डब्बे की आ गई भाई हमारी है, और बिल्कुल सही टाइम पे खड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे हुए। तुम्हारा भाई टाइम का इतना पक्का है कि 8 बजे अवेलेबल है एकदम। और ये आईसुजू फॉर्च्यूनर वगैरह तो दुनिया भर की यहाँ पे टैक्सी में चल रही है, मतलब फॉर्च्यूनर तो टैक्सी है एक तरीके से, जैसे इंडिया में इनोवा है ना, यहाँ पे फॉर्च्यूनर चला रखी इन्होंने टैक्सी में, कोई कदर नहीं है। हम तो हमेशा टाइम पे रहे हैं यार, बाकी लोगों का पता नहीं, मतलब तुम्हारा भाई तो इतना पंक्चुअल है टाइम का, इतना पंक्चुअल है टाइम का, मुझे सिखाना पड़ेगा इन्हें कि टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम का मतलब टाइम की कीमत क्या है। आ गए भाई, पहली अनाउंसमेंट आते ही यही हुई कि बैटरी वाला सामान चेक इन लगेज में ना डाल लें। मेरी कमर क्यों दुख रही है? बढ़िया खर्राटे दे रखे थे उसने तो। ये देख तू दारू, इतने तो रुपए की नहीं पी सकता कोई, वही तो बात में भात से कन्वर्ट करके कितना बैठेगा, तो डबल कर ले पहले तो 4-5 लाख रुपया। अगर ये RSB होता है जब बिल्ली जाती है, वही तो 5 लाख की दारू है, और अगर ये मेरे से हाथ लग के टूट जाए अभी मैं जा रहा मेरी गांड। फिर तू यही मिलेगा, तू यही रही है, फिर तू कौन, हम कौन, हम नहीं जानते। माँ के लिए तो ये ले ली कैंडी, हाँ। और बापो के लिए दिखा नहीं सकता क्या। बोर्डिंग का समय आ चुका, हम होंगे इंडिया में 2 बजे के आसपास। बाय थाईलैंड, बाय। कोई मिस नहीं करने का तुझे यहाँ? मुझे तो ग्रिल्स मिस करेंगे यहाँ के, कि मैं कभी आया ही नहीं उनके यहाँ। फ्लाइट बोर्ड कर ली 1-2 घंटे बोर होने के बाद। क्या बोलूँ भाई, मन से क्या बोलवाना चाह रहे हो आप? एक्सपीरियंस बढ़िया था, बस हम 1-2 दिन ज्यादा रुक गए ना, मतलब वो हो गए एग्जॉस्ट हो गए पूरे। हमारा वही है कि 5-6 दिन बस, इससे ज्यादा 5-6 दिन, मतलब उन लोगों की हिम्मत है पूरे पूरे महीने की वैकेशन पे चले जाना। नहीं भाई, यहाँ तो होम सिकनेस होनी शुरू हो गई थी, पूरा हेल्थ की तो भाई बैंड बजी है, मतलब खाने पीने की शेड्यूल तो सब खराब। पिछले 3 दिन से तो एक एक बर्गर और एक एक शेक पे, अब पता नहीं कितनी देर में जाएगी वो फ्लाइट। 5 घंटे कह रहे हैं इस बार, तो ज्यादा दिन भी वो रुकते होंगे जिनके कोई घर वाला यहाँ रह रहा हो, या तो या जिन्हें धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की आदत हो ना, कि एक दिन मार्केट ही घूम लिए, एक दिन शहर घूम लिए। अब हमें दिन में हमारे प्लान भी तो 3 दिन थे, पर कोई नहीं, ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा थाईलैंड का, मतलब जितना सुना था उससे बेटर ही निकला। लटकने वाले लारो टपकेगी इनके मुंह से जानवर टेढ़ी बढ़िया। इंट्रोवल टू ब्रो, एयर होस्टेस से पानी नहीं मांग पाया मैं, दे दूंगा यार नूडल्स खाने, लेकिन आज तो मांग के पैसा फेंक, तमाशा देख। फ्री नहीं है कुछ यहाँ, इंडियन रुपए तो चल जाएंगे ना, फ्लाइट तो अपनी है, रुपए तो चल जाएंगे, कोई टेंशन। वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनके पास जो मशीन होती है वो चल जाती है ऊपर, क्योंकि बात तो सारे बात ही भरी है, बात का तो आखिरी के पैसा खर्च करिया है, जो नोट बच रहे थे वो भी खर्च दिए। मैं तो सिक्के भी दिया है। शिनाला स्ट्रीट पे एक आंटी गुलाब बेच रही थी, मगर मेहनत की है तो जितने मेरे पास सिक्के थे मैं उन्हें दे दिए थे सारे। बता निहाल गाड़ी दे के निकल चुका है गुड़गांव, हम निकल गए नोएडा के लिए। लड़का हो तो निहाल जैसा हो। वेलकम टू दिल्ली। पिछले 2 घंटे से हम जाम में बैठे हैं यहाँ, और अब 5 बजे लैंड हो गए थे हम, और 7:20 पे दिखा रहा है, जो कि नोएडा दिल्ली से कहने को 15 किलोमीटर दूर है भाई। हमें तो वापस ले चलो वहीं, एटलीस्ट बात चाहे ज्यादा भरना पड़ रहा था, पर सड़क खाली थी, अरे समय बच रहा था, इतना पैसा तो कमा दिया था उसे, 1 घंटे में ब्लॉक करके कमा दे रहे थे इतना पैसा तो। वही तो, आज तो ब्लॉक 10-11 बजे आओगे रात को, आज तो मुश्किल है। चढ़ लिया यार, ना नहाने के ना धोने के, अब जाके ब्लॉक करने लगो जिंदगी। दिल्ली का आदमी बोलता चुप नहीं होता। देखो मैं ये कहना चाहूँ कि जो दिल्ली में रह रहे ना, गेट अ बेटर लाइफ। अरे नहीं सही है, अच्छा शहर है दिल्ली, एक गली है उसमें बहुत अच्छे मोमोज मिले हैं।
राम के छोले भटूरे भी भले पूरे दिन में बस राम के एक छोले भटूरे गए। सुबह निकले का प्लान हुआ है सुबह। सॉरी गाइस, घर पे आते ही बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा सामान इधर उधर करना था तो थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, इतना टाइम लग गया कि निहाल घर वापस भी आ गया, अपना काम निपटा गया। बाय ब्रो निहाल, ऐसा क्या हुआ कि मैं जैसे ही तेरे पास से गया तू हैंडसम हो गया ब्रो? क्या तूने मेरा फेस वॉश यूज किया ब्रो? प्रमोशन किया तू एकदम कहते नहीं भाई मैं यूज कर रहा हूँ मामा अर्थ का। चाय भी रख दी भाई ना बननी, बस तू इसीलिए यार। निहाल क्या हो गया यार तेरे बिना मेरा? बस चाय तो कतई पूरे 7-8 दिन बाद, मतलब मेरे जैसा बंदा है दिन में 4 बार चाय पीता था, उसको 7-8 दिन बाद चाय मिल रही है अच्छे वाली। एक बार पी थी बस, और वो भी बस हाँ मतलब वहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। मुश्किल से 2 लोग देखे। मैं ग्रुप बना के गया था निहाल छोटे लक्ष्य बालियान का कि मैं अपडेट करता रहूंगा, कुछ नहीं डाला। अबे यार वहाँ इतने थके रहे ना, और ऊपर से घर वालों को मैं इतनी चीजें भेज रहा था, सब मिक्स हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें तो कुछ नहीं आया, 4 मैसेज होंगे, वो भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज है, फोटो वीडियो, एक फोटो आया तेरा मतलब लैंड हुआ था सेल्फी, तो गले में हम डालेंगे। अभी तुझे एक 2 बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज दूंगा। रे वीडियो एडिट कर रहा है क्योंकि कल एक वीडियो भी लाइव करनी है। अरे पैसे कमा ले, उड़ा के आ गए वही तो, अब सारे पैसे इकट्ठे करने। हाँ, अब वो भी बता दे रहा कि हमारे पास जो लास्ट में करेंसी बची थी, कार्ड में बच गए थे 100-200 बात, वो तो यूज नहीं हो पाए, उसका तो पानी वानी जूस पी लेते तो हो जाता है, वरना तो नहीं। जो रे के पास करेंसी बच रही थी, रे लाया शिवास रेगल 12 इयर्स वाली अंकल के लिए, और एक दूसरी है दिख नहीं रही मुझे, ये पैकिंग खोलूंगा तो पता चल जाएगा, दूसरे वाली पता नहीं कौन सा लाया था। और मैं ली थी शिवास रेगल की, एक तो ये वाला और दूसरा एक ये वाला है, ये कलेक्शन बोतल ब्रो, ये वाली चेक कर जरा, इसे चेक करें, गिफ्ट करने के लाया किसी को? हाँ, ये मैंने जब मैंने देखी ना, मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये आयरिश विस्की में सबसे ऊपर रखी थी, तो मुझे लगा सबसे बढ़िया कलेक्शन होगा यही वाला। लेकिन इसके नीचे प्राइस मैंने दूसरी का पढ़ लिया, और ये लेके मैंने इसकी बिलिंग करा ली, लेकिन जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह स्कैन कर लिया, फिर मैं क्या ही कहता, मैंने कहा महंगी है क्या है, चलो ड्यूटी फ्री से ली है। फिर सोचा जब हम इतना छिनाला काट सके तो पापा को इतना सा तो गिफ्ट कर ही सकते हैं। अब पता नहीं पियेंगे या इसे सजा के रखेंगे, अगर नहीं पियेंगे तो हम ले आएंगे चुपचाप। या एक काम करें निहाल, एक एक पैकेज में से काट के मार ले, जब नहीं सुन तो ले इसमें से एक पैक सारे भाई मार ले रहे, जब घर जाऊंगा ना पापा को कहूंगा पापा देखो ये बोतल है, दे लाओ खोल के दिखाऊंगा आपको, और पहले ही खोल दूंगा मैं, अभी तो आपके सामने ही तो खोल ली। और बाकी तो वही कहना, जो जब बाहर से आया कोई कैंडीज तो मैं बहुत सारी ले ली थी हमने लास्ट में, जितने हमारे पास जितने छुट्टे मिले थे सारे कैंडीज और फ्रिज मैग्नेट ले ली थी। और अजय भैया को जितनी मैं वहां पे शर्ट पहन रहा था ना, सारी शर्ट उठा के ले आया, एक अजय भैया को दे दी, एक अदा कोई सा भाई कहेगा उसे दे दूंगा, और बाकी जितनी भी है दोनों भाई, कुछ तू और कुछ मैं, यूज नहीं चाहिए मुझे, मैं तुझे पसंद नहीं, बदबू नहीं चाहिए मुझे, नहीं भाई दुला के प्रेस करवा के लाऊंगा यार, ऐसी क्यों बात कर रहा है तू? जब से गया, जब छोड़ गया था मैंने भी उठाई नहीं, जो कि तू भाई अच्छा पैकिंग वाले दिन छोड़ देते ना शायद, यहाँ जो कि तू यही पड़ी है। एक चीज तो भूल ही गए, बड़ी मुश्किल कस्टम वस्टम से बचा के लाए यार इसे, गांजा अभी तो बच्चा है रे निहार, अभी तो बच्चा है, ड्रोन लग रहा है, ड्रोन है, कितने का है ये? 130,000 का ना इंडिया में, ये 70,000 का मिला यार, तो गेम की तरह भी खेल रहा है। अबे पता क्या हुई, जब मैं ट्रे में रख के एक्सरे वाला पार कर रहा था ना, वो यो बहन तो दोन हो गया, मेरी गांड फट गई, मगा इसकी पंखड़ी पुंगड़ी और घूमनी शुरू होगी, मैं जैसे इस वाली लाइन में जा रहा तो यौन हो गया था। अब मैं तो इस लाइन में जैसे जा रहा, ट्रे में तो निकाल के रखना पड़ा ना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं इस लाइन में जा रहा रे उस वाले में, रे एकदम क्रॉस करने वाला, मैंने रे को आवाज लगाई भाई सुन 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 सुन, क्योंकि मैंने इसके वाला बटन दबाया तब भी बंद हुआ है, दबा के रखना पड़े तब बंद हो ये वाला, तो तब जाके बंद हुआ, जहां से बचा रहा था साले वहीं चोरी कट गई थी, एयरपोर्ट पर ड्रोन उड़ गया गोली मार था। दूसरा कि ये कैसे लाए फिर तुम, मतलब ये अलाउड नहीं था या कैसे? अलाउड है, टॉय ड्रोन तो अलाउड है, मतलब टॉय ड्रोन ले सको, जो शादियों में उड़ा में वो नहीं ला सकते ऐसे, वो वैसे ड्रोन क्या यूज करें यही वाले? हाँ टॉय ड्रोन यूज करें इसे, ये DJI इसीलिए बनाया गया है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्रॉस कर जाओ तुम, लेकिन बहुत बार कस्टम वाला तो रोक देगा ना, नया ड्रोन है कस्टम ड्यूटी तो उसे कितना पड़ जाती कस्टम ड्यूटी? 50,000 के ऊपर कुछ परसेंट है, मतलब अगर नया डब्बा नहीं मिलना चाहिए इसका बैग में फिर तो चल जाएगा ना। लेकिन फोन पकड़ लें, फोन देख लें, बिल्कुल नया फोन है, फोन में नहीं बना सकते उन्हें, दुबई से तो यूं बताता है, बंदे मिले थे ना इंडियन एयरपोर्ट पे जब हम इंटरनेशनल वाले उसमें थे, तो वहां बहुत जानने वाले लड़के मिले जो काम कर रहे थे एयर इंडिया के, वो ये बता रहे थे कि डेली कम से कम दुबई 100 लोगों के फोन पकड़े हैं दुबई से, तो जेब पे हाथ मार दे, मतलब तू कस्टम वाले में रखेगा तो बैग ही अपने ये नहीं रखी जाती, जैसे हम लाए ना ड्यूटी फ्री वाला तो सामान नहीं रखना, या तो चुपचाप इसकी पन्नी फाड़ के इसमें डाल दो, अगर मैं फोन नया लिया जेब में रख लिया 2 फोन तो तेरे जेब में हाथ मार देगा, वो चेक करेगा कैसे पता है पुराना, खोल के देखने की अथॉरिटी है उन्हें, तेरी व्हाट्सएप चैट पढ़ने की भी अथॉरिटी है, व्हाट्सएप चैट हाँ पर्सनल क्या रहेगा फिर,
व्हाट्सएप चैट भी पढ़ लेंगे, तू ड्रग्स व्रग्स की बात तो नहीं कर रहा? फिर तो कुछ भी कर सके हैं। मतलब पहले लोग यूँ कहते थे ना, खुला हुआ अंकल यूज कर रहा मैं, बैटरी परसेंटेज चेक कर ले 100% नहीं की 100%। लेकिन बेटे हमारे के स्क्रीन गार्ड टूट रहा, आईफोन 12 है, कौन सा नया लाया? एक को तो फिर भी जान देंगे, तू सिम डाल के एक ले आए ना, एक तो बहुत चांसेस है चले जाएंगे, दो नहीं नहीं दो नहीं मैं तो रुक रहा, अब तो डेली फंस रहे लोग। लेकिन ये है कि कस्टम ड्यूटी देगा बस, फिर इतने कहीं पड़ जाएगा जितना इंडिया में। मैं तो पूरा रेडी था, मैं तो सीधे में कहता, मैं तो यहीं से लेकर गया था इंडिया से। तुझे आवाज यूज करना है? हाँ, वाला चार्ज, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, चार्ज करेंगे अभी फ्लैट में, पूरे मोड आते नहीं फिरेंगे अंदर, ऊपर लगने का डर नहीं है मगर तुम्हारे पर एकदम से कंट्रोल हट जाए, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर ले, बाहर उड़ाएंगे ना पूरा खुले में, यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेंगे टेबल से उठा के खिड़की से बाहर। लेकिन मुझे कस्टम से बचने का भी एक हैक पता चल गया, जो ड्यूटी फ्री से कुछ सामान ले लो जो आपकी पैक्ड पन्नी मिले, कस्टम वाले सोचे कि पन्नी पैक्ड है, उसके अंदर वही सामान है जो आपने ड्यूटी फ्री से लिया, तो जो भी सामान आपको इधर उधर ले जाना वो ड्यूटी फ्री का सामान नहीं उस मशीन में रखने देते, चेक करने वाली में, पन्नी काट के, ये जैसे पन्नी पैक्ड रहे ना यो, ये हल्की सी काट के इसमें सामान डाल दो, जैसे बोतल को पकड़ के अपना चल लो साइड में को, वे तो बैग वैग रखने को कहे बस उसमें। पर हाँ, अगर उन्होंने ड्यूटी फ्री वाला सामान तुम्हारा पकड़ लिया और उसमें कोई सामान पकड़ लिया, फिर तुम उसका बहाना भी नहीं मार सकते कि जी ये तो मैं यूज कर रहा। नहीं सिंपल ही होगा, हमें तो पता ही नहीं था इसमें रख नहीं सकते, हमने रख दिया। तो वो यूं कहेगा ड्यूटी फ्री की पन्नी की फाड़ी, ड्यूटी फ्री की सील नहीं तोड़नी होती जब तक तुम एयरपोर्ट में हो। हमें नहीं पता था मालिक इसका, हमें नहीं पता था कुछ भी, हम तो जी गांव से आए पहली बार। लेकिन इस बार में क्या क्या सामान कैसे स्मगल हो सके मैं सब देख के आया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी में क्या क्या लूप होल्स है, या तो हमारे थोड़ी हर एयरपोर्ट पर सेम तरीके से चेकिंग होती है यार, फ्लाइट के ऊपर डिपेंड करे, जैसे थाईलैंड से आई ना कोई दिक्कत नहीं है, दुबई से सबसे ज्यादा स्मगल हो चीजें, सोना फोन ये सब, वहाँ की फ्लाइट में दिक्कत हो गया, दुबई से तो वे लोग पे ज्यादा ध्यान रखे हैं, बाकी थाईलैंड से सबको पता छिनाला करके। फ्लाइट का एक्सपीरियंस क्या था, फ्लाइट कैसी थी? गो फर्स्ट की फ्लाइट कैसी हो सके, गो फर्स्ट की लाइन साड़ी सबसे लंबी हो, अब लोग यू कहना ना एक सबसे सस्ती सबसे लंबी छोटा था बड़ा प्लेन तो बड़ा ही रहा इंटरनेशनल का, लेकिन सबसे ज्यादा तो फ्लाइट वो थी वेज जेट एयर वाली जो हमने वहां से करी थी अंदर ही अंदर थाईलैंड में। भाई देख बिजनेस क्लास का क्या सीन है, लोग क्या है बिजनेस क्लास में आपको फैसिलिटी मिल रही थी खाने पीने को, खाना पीना कितने का 7-8 हजार का, बिजनेस क्लास की फैसिलिटी तुझे बताऊं वीआईपी चेक इन रहे, बहुत कम लोगों को पता है बात भी, वीआईपी चेक इन का मतलब लाइन में लगना कुछ नहीं लगना आपको, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले नहीं आना, तुरंत सीधा फ्लाइट आने से 1.5 घंटे पहले आ जाओ।